नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर में हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पालने में एक और बड़ा गेंद, यानी के राजू शर्मा कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। आज उन्होंने पार्टी का, भाजपा का दामन थामा है और रविंदर रैना जी के चेहरे की खुशी साफ जाहिर कर रही है। कितने खुश है क्योंकि विपक्षी दल लगातार जो कि सत्ता पक्ष में शामिल हो रहे हैं और लगता है आने वाले समय में और भी जितनी भी पार्टियों के दिग्गज नेता हैं, लगता है ठान ली है कि अब जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उन्हें भाजपा में लाने का एक प्रण ले चुके हैं। क्या किसी और नेता और किस कदर चेहरे की खुशी। रविंदर रैना जी वैसे खुश रहते हैं, आज कुछ ज्यादा ही कुछ लग रहे हैं क्योंकि विपक्षों में, विपक्षी दल से ही एक नेता जो कि राजू शर्मा जी ने आज भाजपा का दामन थामा, कुछ ज्यादा ही खुशी नजर आ रही है। जिसा से डिलिमिटेशन कश्मीर की रिपोर्ट आते ही अब फेर बदल और होगा आने वाले दिनों में। कुछ प्रमुख लोगों की सूची आप बोलो, आप ये उधर से बोलो और पढ़ के लाओ, एक एक का नाम आप लेते जाओ। चलिए, अब भाजपा का पटका पड़ते ही हो गए भाजपा के, जहां पर एकदम आम आदमी पार्टी टोपी पहनाते ही उनकी हो जाती और अब भाजपा का पटका पहनाते ही भाजपा के हो गए। हम तो हो गए भाजपा के, पटका पहनते ही हम हो गए भाजपा के। एक तरफ टोपी पहनाकर अपनी तरफ किया जा रहा है, दूसरी तरफ पटका पहनाकर अपनी तरफ किया जा रहा है। और ये एक तरफ लगातार यहाँ के लाइव दृश्य, देखिए किस कदर जनाब ये नेता लोग हैं, इनके पैंतरे बाजी तो हर पार्टी के आप समझ सकते हैं। और कितनी मजबूती मिलने वाली है कांग्रेस के सीनियर नेता अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर भाजपा का दामन थामने वाले हैं। यानी 50+ का लक्ष्य जो लेकर रविंदर रैना जी बार बार कहते हैं, पक्का ठान लिए विपक्षी दलों को खींचो अपनी ओर। लाइव तस्वीरें दैनिक शिव टाइम के माध्यम से भाजपा हेडक्वार्टर के और आप देख रहे हैं कोई टोपी पहनाकर और कोई पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी
मोदी सरकार, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद। राजेश शर्मा जी, जिंदाबाद। क्या बात है, अरविंद शर्मा जी, इंद्र गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता जी, प्रमोद कुपाई, प्रमोद कुपाई, रविंदर सर, किसी पार्टी के नेता को छोड़ेंगे भी, किसी पार्टी को नहीं। हाँ, एक मिनट रविंदर जी, थोड़ा सा पहले आप सुनना। रविंदर सर, किसी पार्टी के नेता को छोड़ेंगे भी या सबको ना? ना ना ना, सारे के दिल आने, कोई नहीं छोड़ना। देखो, पार्टी का एक है बीजेपी है, तो दूसरी पार्टी के छोड़ना। राजू शर्मा साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर, आज भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो ना, मैं दिल की गहराइये कहने राजू शर्मा साहब की मुबारकबाद पेश करना। और एक माला दो, और साढ़े चार श्री कौल साहब की मैं निवेदन करना के ये भी नई फूल माला पाइए इंदा पार्टी से। वेलकम कर, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों से स्वागत करें, शाबाश। देखो, इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो काम कर रही है, जो लोगों में है, जो लोगों के सेवादार बन के काम कर रहे हैं, वह है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए एक जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है और ये दर्शा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50 प्लस है, ये आप धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। मिशन 50 प्लस जीरो लगाना भूल गए, उनको आप कहें जीरो भी लगा लगेगा। कहना है कि भाजपा खुली आंखों से सपने देख रही है 50 प्लस के। देखिए, भारतीय उन्होंने ठीक कहा, खुली आंखों से हम सत्य और हकीकत देख रहे हैं। कहते मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चलिए, कशकोड़ा कशमदान आपे पता लगी है, डिलिमिटेशन हुई हुई है। देखो, आपे पता लगी जाता, चार छह महीने आपे पता लगी जाता। डेली वेजेस के लिए क्या सोचते हैं, उनको मल्टीप्लाई करिए चार, सबको ढाई से तीन लाख, सबका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भला होगा। रविंदर राणा जी, जिस तरीके से लगातार ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है ऑपोजिशन पार्टियों की, आपको लगता है कि ऑपोजिशन में आने वाले समय कोई बचेगा? पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड लहर है। आप जम्मू रीजन देखो या कश्मीर घाटी देखो, वहां से आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, और वहीं जो दूसरी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता हैं, आपने देखा कि कुछ समय पहले श्यामलाल शर्मा साहब, देवेंद्र सिंह राणा साहब, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, धर्मवीर सिंह जामवाल साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब जैसे अनेक लोग, फकीर मोहम्मद खान जैसे लोग जो गुरेज से एमएलए रहे हैं, ये तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किया है, मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है, गरीब मजदूर किसान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, गांव के शहर के पहाड़ के मैदान के, महिलाएं पुरुष, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है, और इसलिए आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब की जय जयकार कर रहा है। और यही कारण है कि राजू शर्मा साहब जैसे राजू शर्मा साहब जैसे बड़े नेता जो हैं, जो कई सालों तक जिन्होंने जो कांग्रेस के नेता रहे, और मुझे खुशी है कि आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और इस ये एक बात को दर्शा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है, और प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और अभी डिलिमिटेशन कमीशन ने भी अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, फाइनल रिपोर्ट, और मुझे लगता है कि यहाँ जल्द चुनाव होंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बीजेपी का यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं राजू शर्मा साहब से कहूंगा कि वो आपसे मुखातिब होंगे। राजू शर्मा साहब, सर जवाब देना आपने, क्या एलपीजी की दाम क्यों बढ़ रही है? राजू सर, आप बताइए, क्या सोचकर आपने भाजपा का दामन थामा है?
मैडम, जो मैं कई सालों से कांग्रेस में था तो मैंने जो भाजपा की जो नीतियां देखी हैं, जो इनकी अध्यक्षता में जो काम हो रहे हैं, जो जो इनकी डेवलपमेंट हो रही है रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, तो जो इनकी लीडरशिप ने आज कहां से कहां हिंदुस्तान का नाम पहुंचाया है, वो उस सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये आज वो सोचा था कि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन पकड़ूं। आए दिन से सड़कों पर लोग हैं, डेली वेजर सड़कों पर है, आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पर है, उसमें उसके मैं आज इस कक्षा का मेरा पहला दिन है तो मुझे इस स्कूल में इसमें मैं थोड़ा सा समझूंगा, उसके बाद फिर आप मेरे से क्वेश्चन करिएगा। आप तो पुराने नेता हैं, लोगों की बात नहीं सुनी जाती, क्या कारण लगातार कांग्रेस से बड़े नेता जो है वो अलविदा कह रहे हैं? कांग्रेस की लीडरशिप में कमजोरी है और वही वजह है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा का दामन जो पकड़ रहे हैं, यही की लीडरशिप की वजह से। आपको लगता है कांग्रेस के बीच में जो है दो गुटों में बड़ी बड़ी कांग्रेस नजर आती है, एक गुलाम नबी आजाद की तरफ और एक मीर साहब की तरफ, उसका नुकसान कांग्रेस को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? सर कुछ हद तक वो जायज है आपकी बात, लेकिन आपको पता ही है इस समय लीडरशिप हमारी कहीं तो दिख नहीं रही है, तो भाजपा की लीडरशिप जम्मू कश्मीर से छोड़ के कन्याकुमारी तक इस समय भाजपा का नाम है। पार्टी का दामन थामते ये कहते हैं कि पुरानी पार्टियों की नीति हमें नहीं ठीक लगी। नहीं, नीति ठीक थी तभी उनके साथ रहे, आज नहीं ठीक है, आज हमने इनका दामन पकड़ लिया। सर उनका जवाब वही देंगे, मैं तो अपनी बात करूंगा। सर मुझे लगता था मैं कुछ बिल्कुल खुश हूँ तभी आया हूँ। भाजपा में आने के बाद क्या कुछ बदलाव की उम्मीद आप वहाँ के लोग करेंगे आपसे? बिल्कुल करेंगे सर, मैं तो इस क्लास का एक नर्सरी का वो हूँ शिष्य, मेरे जो बड़े अध्यापक जो पीछे बैठे हैं बिल्कुल लेनी पड़ेगी, वो मेरे सीनियर है, लेनी पड़ेगी। रविंदर सर एक सवाल तो बनता है, 50 रुपए जो एकदम से उछाल मारा है, भारत माता की, भारत माता की, इसके बाद में जवाब सर आप भाग जाते हैं? नहीं नहीं, क्या बात, हमारे बीच में राजू शर्मा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमने आपको पूरे विजुअल बताए इस समय भाजपा हेडक्वार्टर में, जहां पर आज राजू शर्मा जो कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता, उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा और कहीं ना कहीं जब भी कोई नेता फेरबदल करते ये कहते हैं पुरानी पार्टियों की नीति हमें सही नहीं लगी, इसलिए नई पार्टियों की नीति के चलते हमने अच्छी लगी तो हमने दामन थामा। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का जिस तरह से विस्तार होता जा रहा, भाजपा का भी विस्तार होता जा रहा, और वहीं पर दूसरी तरफ से टोपियां पहनाई जा रही है, एक तरह से पटके पहनाए जा रहे हैं, पर जिस तरह से रसोई गैस के रेट जो उछाल मार रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? आखिर रोटी तो हर एक व्यक्ति ने खानी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, मंत्री संतरी हो, चाहे आम जनता हो, पर जिस तरह से लगातार 50 रुपए का आज उछाल है एलपीजी में, आने वाले समय में कहां तक पहुंच जाएगी ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या सरकार इस पर नजरअंदाज इसे कर रही है, क्या इस पर गौर करना जरूरी नहीं है? हमने रविंद्र नारायण जी से भी सवाल किया पर कहीं ना कहीं गोलमोल घुमाते हैं रविंद्र नारायण जी, हमेशा जलेबी की तरह हंस हंस कर गवा देते हैं, पर ये जो सवाल है ये कंसर्न है जनता के साथ। चलिए देखते हैं आने वाले समय 50+ का लक्ष्य जो लेकर चलते हैं, पर काफी समय काफी आह्वान भी हो चुके हैं, इस बार 50+ नहीं बल्कि लखनपुर पार हो, ये जनता पर निर्धार है कि जनता किस तरह से लेती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसी हमारे अगले अपडेट। जय हिंद, जय भारत।